Am I audible now? यस, ऑडिबल नाउ। आवाज आ रही है ना सही से? नहीं, नॉट ऑडिबल, नॉट ऑडिबल येट। ऑडिबल नाउ? यस 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 यस। ओके, ठीक है, तो जल्दी जल्दी आ जाइए। शुरू करते हैं बूस्टर कोर्स, DLR बूस्टर कोर्स, या मंजिल बैच बोल लीजिए आप। टारगेट है कैट 2023 एंड दिस इज एपिसोड नंबर 4। सो वी हैव टेकन 3 क्लासेस। अगर वो क्लास अभी तक नहीं देखी आपने तो जाके देख लीजिएगा। तीनों क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है यूट्यूब पे, है ना? तीनों की तीनों क्लास फ्री अवेलेबल है यूट्यूब पे। कहाँ पे? MBA पाठशाला के यूट्यूब पे अवेलेबल है। टेलीग्राम ऐप, टेलीग्राम पे डाउनलोड कर सकते हो आप। ऐप भी हमारा है, सेम नेम से वेबसाइट भी है, एंड इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। ठीक है, चलिए 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 जल्दी जल्दी शुरू करते हैं। कैसे हो आप सब? प्लीज अभी हैंड रेज। स्टार्टिंग में क्या हैंड रेज करना होता है तुम लोग को? क्या हैंड रेज करना होता है भाई? हैंड रेज उस चीज के लिए होता है कि अगर आपका कोई डाउट चैट सेक्शन में क्लियर नहीं हुआ या कोई दूसरी कोई चीज समझ में नहीं आ रही आपको, तो हैंड रेज करिए। स्टार्टिंग में आते पुटिक पुटिक हैंड रेस करने लग गए। चलिए फटाफट से क्वेश्चन करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ओके, सो दिस इज समथिंग अबाउट LRDI बूस्टर कोर्स। 30 सेकंड्स में बताऊंगा मैं आपको, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। सो LRDI बूस्टर कोर्स के अंदर व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू सॉल्व 100 सेट्स इन क्लास, 100 सेट्स इन प्रैक्टिस PDF जो आपको मिलेंगी, है ना? डेली के 2 सेट्स आपको प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे, डेली के 2 सेट हम लोग क्लास में करेंगे, एंड 5 मॉक्स, है ना? एंड 5 मॉक्स आपको मिलेंगे। ठीक है, लाइव क्लासेस भी हैं, रिकॉर्डिंग क्लासेस भी हैं, फर्स्ट 8 लेक्चर्स फ्री हैं इसके, प्रैक्टिस शीट्स मैंने बोला ही आपको मिलेंगी। ठीक है, PDFs एंड नोट्स जो क्लास में पढ़ाया है उसकी पूरी की पूरी PDF आपको मिल जाएगी। हैंड रेज आप फीचर आप लोग अभी क्लास में हो तो देख सकते हो। पोल भी हम लोग करेंगे क्लासेस के अंदर। ठीक है, एंड आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, तो जल्दी से ट्राई करिए। चलिए, यस यस यस, मैंने बोला था, मैंने ये जो वीडियो ली है, मैंने बोला था ये वीडियो जो मैंने ली है ना, वो काफी सारे लोगों ने अब तक नहीं देखी होगी शायद से, है ना? इस वीडियो में मैंने काफी अच्छी अच्छी चीजें बताई थी। ठीक है, मैंने ये भी बताया था कि LRDI के कितने सेट्स आपको करने चाहिए, अगर आपका टारगेट 99 है या 90 है या 95 है या 85 तक भी मैंने स्ट्रेच किया था, है ना? ये सब, ये वीडियो पूरी की पूरी अवेलेबल है, मैंने लिंक हर जगह पर डाला हुआ है। लिंक अगर आपको नहीं मिला तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं, राइट? लिंक अगर आपको नहीं मिला तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। इधर मैंने काफी सारा नॉन एकेडमिक कंटेंट पोस्ट करा हुआ है और करने भी वाला हूँ। ठीक है, मेरी एक और वीडियो भी आ रही है NMAT के बारे में, कि NMAT की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए आपकी। हमने एक वीडियो ली थी कंबाइंड NMAT वाली, वो भी आप लोग जाके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आज के फर्स्ट सेट के ऊपर आते हैं। आज का फर्स्ट सेट ये रहा। हाँ, बाकी सेट्स भी अपलोड हो जाएंगे, आज ही अपलोड हो जाएंगे, है ना? बाकी सेट जो अपलोड हो जाएंगे आज ही अपलोड हो जाएंगे। ठीक है, चलिए फटाफट से ट्राई करते हैं आज का फर्स्ट सेट विदाउट एनी डाउट्स एनी डॉक्स। लेट अस गो फॉर द सेट। सारे मिल जाएंगे, सारे प्रैक्टिस सेट्स मिल जाएंगे आपको। अभी क्वेश्चन कर लीजिए प्लीज, है ना? प्लीज अभी चैट में बातें करना बंद कर दो, इनका क्वेश्चन भी ध्यान दो। आई गेस सबको समझ में आ रहा होगा कि वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, राइट? सबको समझ में आ रहा होगा कि वेन डायग्राम का क्वेश्चन है ना?
करेंगे सॉल्व। चलो 2 मिनट और ले लो, ठीक है, टेक 2 मोर मिनट्स, देन वी कैन सॉल्व। चलिए सॉल्व करते हैं, ठीक है। सबको ये समझ में आ गया होगा कि वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, ठीक है। अ सर्वे वॉज कंडक्टेड बाय एन एजेंसी नेम्ड दर्पण AX इन द सिटी अमंग 3735 पीपल। सो टोटल देर आर 735 पीपल, ओके। टू गेज टू द पॉपुलैरिटी ऑफ 3 इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, स्मार्टफोन, लैपटॉप एंड टैबलेट। तो ये 3 चीजों के बारे में सर्वे करा गया है, ठीक है। द नंबर ऑफ पर्सन्स हु लाइक स्मार्टफोन एंड लैपटॉप इज 20। अच्छा, तो सबसे पहले वी हैव 3 थिंग्स, तो 3 चीजों का वेन डायग्राम ऐसे बनता है, राइट। हम लोग आज कर रहे हैं 3 वेन डायग्राम वाला, नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे 4 वेन डायग्राम वाला, राइट, है ना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे 4 वेन डायग्राम वाला। अच्छा, वेन डायग्राम के बारे में एक अच्छी चीज बताऊं तुम लोग को, कैट 2022 का जो पेपर था ना, कैट 2022 जब हुआ था, ठीक है। अब अगर आप 2019, है ना, 20 एंड 2021 में अगर देखोगे, तो वेन डायग्राम का सेट शायद ही आया था, है ना, एक आध सेट आया था शायद से, 3 साल पूरे मिला के, ठीक है। तो स्टूडेंट्स वेर कीप ऑन आस्किंग दैट सर वेन डायग्राम लोग छोड़ दे तो काम चलेगा, बट मैंने पूरे साल ये चीज भूली थी कि इस साल वेन डायग्राम का सेट हर स्लॉट में आएगा, या तो प्रोबेबली 3 में से 2 स्लॉट में तो आएगा ही आएगा, है ना, ये चीज मैंने बोली थी, ठीक है। ये मेरा एक प्रिडिक्शन था स्टेटिस्टिकली, है ना, जो पिछले साल का डेटा निकलता है उस पे से, कौन पेपर बना रहा है उस पे से, जो IIM पेपर बना रहा है उसकी कंडक्टिंग बॉडी कौन है, उसमें पेपर बनाने वाली बॉडी कौन है, उसके ऊपर ये सारी चीजें कैलकुलेट करी जाती है। कोई तुक्केबाजी नहीं लगाता मैं कभी भी, ठीक है। और आप लोग मानोगे नहीं, है ना, वेन डायग्राम का एक सेट आया था, ठीक है, वेन डायग्राम का एक सेट आया था। एवरीवन वाज सेइंग कि सर अगर वेन डायग्राम का सेट आएगा तो 3 क्राइटेरिया वाला सेट नहीं आएगा, 4 क्राइटेरिया वाला सेट आएगा, क्योंकि बिकॉज वो एडवांस लेवल का सेट देंगे। मैंने कहा था नहीं, 3 क्राइटेरिया वाला सेट आएगा, है ना। सेट 3 क्राइटेरिया वाला ही आया था, बट वो डिफिकल्ट लेवल का आया था बस। तो इट इज नॉट नीडेड कि वेन डायग्राम में, अगर वेन डायग्राम में अगर उसको एडवांस लेवल का सेट देना है, हाँ सुबोध को पता है, देखो सी वेन डायग्राम में अगर एडवांस लेवल का सेट देना है तो 4 क्राइटेरिया वाला सेट देगा सर, नेसेसरी नहीं है। 3 क्राइटेरिया भी डिफिकल्ट बनाया जा सकता है डिपेंडिंग ऑन द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन, ओके, ठीक है। ये बस बता रहा था मैं, जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन। अब आते हैं 3 चीजों पे। तो हमारे पास क्या है, स्मार्टफोन है, ठीक है, फिर हमारे पास क्या है, लैपटॉप है, एंड वी हैव टैबलेट। टोटल कितने लोगों का डेटा हमने एनालाइज किया है, टोटल वी हैव 735 पीपल वी आर एनालाइजिंग, राइट। टोटल वी हैव 735 पीपल वी आर एनालाइजिंग। अब ध्यान से सी, सबसे पहले एक चीज को ध्यान रखो, ये स्मार्टफोन है, ये लैपटॉप है, दिस इज स्मार्टफोन, दिस इज लैपटॉप। ये जो एरिया है, दिस इज कॉमन बिटवीन स्मार्टफोन एंड लैपटॉप। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली दिस मच एरिया, दिस इज ओनली स्मार्टफोन एंड लैपटॉप। आर वी क्लियर विद दिस? दिस मच एरिया इज ओनली स्मार्टफोन एंड लैपटॉप। अगर मैं इसकी बात करूंगा तो ये स्मार्टफोन भी हो गया, लैपटॉप भी हो गया, एंड कुछ में से कुछ ऐसे लोग होंगे जो टैबलेट भी यूज करेंगे। सो इन क्वेश्चन इफ इट सेज स्मार्टफोन एंड लैपटॉप, सो इट डजेंट मीन कि वो इतने ही एरिया की बात कर रहा है, वो पूरे एरिया की बात कर रहा है। हाँ, अगर उसने बोल दिया ओनली स्मार्टफोन एंड लैपटॉप, इट मीन्स दिस मच पोर्शन, ओनली स्मार्टफोन एंड टैबलेट, इट मीन्स दिस मच, ओनली टैबलेट एंड लैपटॉप, इट मीन्स दिस मच। बट अगर ओनली वर्ड यूज नहीं करा गया है
दो चीजों के लिए, कोई भी दो चीजों के लिए, तो हम पूरा एरिया लेंगे, हम पूरा एरिया लेंगे। ये बात क्लियर है? ये बात क्लियर है? आर वी क्लियर विद दिस? हाँ, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर एलआरडीआई दिस ईयर। फाइन, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर एलआरडीआई दिस ईयर। आर वी क्लियर विद दिस? ठीक है, ये क्यों बिठा दिया मैंने, ये क्लैरिटी है? ठीक है, चलिए। अब जैसे कि हम लोग यहां पर देख पा रहे हैं, द नंबर ऑफ पर्सन हु लाइक स्मार्टफोन एंड लैपटॉप, सिर्फ स्मार्टफोन एंड लैपटॉप बोला है, ओनली नहीं बोला, दैट मींस दिस कंप्लीट सर्कल, राइट, दिस कंप्लीट एरिया। ठीक है, स्मार्टफोन एंड लैपटॉप इज 20% लेस। 20% लेस मतलब क्या हो गया? 80%। 20% कम हो गया मतलब बचा कितना? 80%। इज 80% द नंबर ऑफ पीपल हु लाइक टैबलेट एंड लैपटॉप। So, S plus L is equal to 80% of T plus L. ये मैं कंसीडर करूं? S plus L is equals to 80%. That means 0.8 of T plus L. क्या मैं ये बोल सकता हूं? बिल्कुल बोल सकता हूं, राइट? ठीक है, चलिए दूसरे ना, 20% कम हो गया मतलब बचा कितना? 80%। द नंबर ऑफ पर्सन हु लाइक ओनली स्मार्टफोन इज 13 मोर। ओनली स्मार्टफोन है ना, ओनली स्मार्टफोन इज 13 मोर, किसका 13 मोर देन 24 टाइम्स ऑफ पीपल हु लाइक ऑल थ्री। 13 मोर देन 24 टाइम्स ऑफ पीपल हु लाइक ऑल थ्री, मतलब क्या? बीच वाले का है ना। तो अगर ये एक्स है, अगर की बात है, तो ओनली स्मार्टफोन कितना होगा? 13 प्लस 24 एक्स। ये पॉइंट क्लियर है? ये पॉइंट क्लियर है, बहुत बेसिक पॉइंट है, राइट? ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ओके, द नंबर ऑफ पर्सन हु लाइक ओनली टैबलेट इज 8 लेस। ओनली टैबलेट कहां गया? ओनली टैबलेट इज 8 लेस, किसी में से वो 8 कम है। किस में से कम है? किस में से कम है? 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पीपल हु लाइक ओनली लैपटॉप। 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पीपल हु लाइक ओनली लैपटॉप। आर वी क्लियर विद दिस? ये क्लैरिटी है ना? ठीक है, ओके, चलिए। सी, अभी अभी मैं यहां पे कोई वेरिएबल अज्यूम नहीं कर रहा हूं, एक्स वाई जेड एबीसीडी कुछ मैं अज्यूम नहीं करूंगा, मैं पूरा डेटा बना लूंगा। आई विल होप कि मुझे पूरा डेटा में बहुत सारी वेरिएबल्स ना लू, एक आध दो मुझे चीजें मिल जाए अंदर, राइट, एक आधी वैल्यू मिल जाए। आई एम एबल टू फाइंड आउट एनी वन ऑफ द वैल्यूज और टू वैल्यूज इफ पॉसिबल, तो मेरा एक वेरिएबल कम हो जाएगा वहां से, तो इसलिए हम लोग इनिशियली अज्यूम नहीं करेंगे, ये तरीका है सॉल्व करने का। ठीक है, ओके, द नंबर ऑफ पर्सन हु लाइक स्मार्टफोन एंड टैबलेट, अगेन ओनली नहीं बोला है, स्मार्टफोन एंड टैबलेट इज डबल है ना, स्मार्टफोन एंड टैबलेट इज डबल। ठीक है, हु लाइक स्मार्टफोन एंड लैपटॉप इज डबल ऑफ हु लाइक स्मार्टफोन एंड लैपटॉप। आर वी क्लियर विद दिस? आर वी क्लियर विद दिस? क्लैरिटी है माइंड में यहां तक? बिल्कुल सिंपल है। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पीपल हु लाइक ओनली टैबलेट, टू, ठीक है, ओनली टैबलेट टू दोस हु लाइक स्मार्टफोन एंड टैबलेट। ठीक है, स्मार्टफोन एंड टैबलेट बट नॉट लैपटॉप, नॉट लैपटॉप, व्हाट डज इट मीन? व्हाट डज इट मीन ओनली स्मार्टफोन एंड टैबलेट, राइट? व्हाट डज इट मीन ओनली स्मार्टफोन एंड टैबलेट है ना, व्हाट डज इट मीन ओनली स्मार्टफोन एंड टैबलेट? आर वी क्लियर विद दिस? इसका मतलब ये हुआ लैपटॉप नहीं इंक्लूड कर रहा है, नॉट लैपटॉप। ठीक है, अब मैं ओनली बोल दूं या इस लैंग्वेज में बोल दूं, दोनों एक ही चीज है। इज इक्वल टू 12:7, कितना रेशियो है? कितना रेशियो है? 12:7। ये क्लैरिटी माइंड में? ये क्लैरिटी माइंड में यहां तक? ठीक है, चलिए, ओके। द नंबर ऑफ पर्संस हु लाइक ऑल द थ्री गैजेट्स इज 1/3 द नंबर ऑफ पर्सन हु लाइक स्मार्टफोन एंड लैपटॉप बट नॉट टैबलेट। स्मार्टफोन एंड लैपटॉप बट नॉट टैबलेट, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? ओनली स्मार्टफोन एंड टैबलेट है ना, ओनली स्मार्टफोन एंड टैबलेट। तब उसने क्या बोल दिया कि जो ऑल थ्री वाला है
इज इक्वल्स टू थ्री टाइम्स, है ना, थ्री टाइम्स बोला ना, कितना बोला है, ऑल थ्री इज वन थर्ड, है ना, ऑल थ्री इज वन थर्ड, ठीक है, सॉरी क्या बोला है, इज वन थर्ड ऑफ हु लाइक स्मार्टफोन एंड लैपटॉप, स्मार्टफोन लैपटॉप है टैबलेट है ना, स्मार्टफोन एंड लैपटॉप बट नॉट टैबलेट, तो दैट मीन्स कि ओनली स्मार्टफोन एंड लैपटॉप हो गया, राइट, ओनली स्मार्टफोन एंड लैपटॉप हो गया, अब क्लियर विद दिस, यहां तक पॉइंट क्लियर है, बहुत सारी ऐसा लग रहा होगा कि है बहुत सारी रायता फैला दिया हमने यहां पे, बट इन पॉइंट्स को हमें कंबाइन करना है एक एक करके, दैट इज द ओनली थिंग वी वॉन्ट टू डू, है ना, अब क्लियर विद दिस, दैट इज द ओनली थिंग वी वॉन्ट टू डू, बाकी क्वेश्चन सॉर्टेड है, चलिए, द नंबर ऑफ पर्सन हु लाइक ओनली लैपटॉप, सॉरी, द नंबर ऑफ पर्सन हु लाइक ओनली लैपटॉप इज 20 मोर, 20 मोर देन 1/7 ऑफ 1/7, 1/7 ऑफ 1/7 कितना हो गया, 1/7 इंटू 1/7, 1/49 हो गया, 1/7 इंटू 1/7 कितना हो गया, 1/49 हो गया, ऑफ दी टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स कितना है, 735 मुझे ऑलरेडी गिवन है, तो ये मुझे वैल्यू मिल गई, ओनली लैपटॉप की मुझे वैल्यू मिल गई, कितनी आएगी वैल्यू बताओ, ओनली लैपटॉप कितना आएगा बताओ इधर से फटाफट से, है ना, हार्ड नहीं है, हार्ड नहीं है, अभी चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा, सी हार्ड नहीं है, अभी चुटकियों में सॉल्व करा दूंगा, कितनी आगे वैल्यू बताओ इसको, 49 7 7 49 प्लीज, 15 15 प्लस 20 35, तो ओनली लैपटॉप का मुझे वैल्यू मिल गया, ओनली लैपटॉप का मुझे वैल्यू मिल गया, कितना वैल्यू मिल गया मुझे, 35, एक वैल्यू मुझे मिल गई बाकी मैं निकाल लूंगा, एक वैल्यू मुझे मिल गई 35 बाकी मैं निकाल लूंगा, आप क्लियर विद दिस, आप क्लियर विद दिस, बोलो यहां तक क्लैरिटी माइंड में है ना, यहां तक क्लैरिटी है माइंड में, ये क्लैरिटी है, अब दूसरा, ओनली टैबलेट इज इक्वल टू 4 इंटू लैपटॉप माइनस 8, 4 इंटू लैपटॉप माइनस 8 इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू कितनी है, 35, डालो इधर 35, 35 4 जा 140, 140 माइनस 8 इज 132, ओनली टैबलेट कितना आ गया, 132, एक और मिल गया, इसका काम खत्म हो गया, इसका काम खत्म हो गया, खत्म हो गया, ओनली टैबलेट की वैल्यू कितनी है, 132, क्या मैं यहां पे 132 डाल सकता हूं इसकी जगह पे, क्या मैं यहां पे 132 डाल सकता हूं इसकी जगह पे, बिल्कुल डाल सकता हूं, है ना, अब क्लियर विद दिस, मैं यहां पे 132 लिख दूं, मैं 132 लिख दूं, 132 11 जा 7 गया इसके पास 77, तो ओनली स्मार्टफोन एंड टैबलेट कितना हो गया मेरा, ओनली स्मार्टफोन, ओनली स्मार्टफोन एंड टैबलेट, ओनली स्मार्टफोन एंड टैबलेट कितना हो गया, 77, आई क्लियर विद दिस, फटाक से मिल जाएंगे सारी की सारी, बस आपको शांति रखनी है, दिमाग में शांति रखनी है, वो मल्टीपल पॉइंट्स देगा आपको, यू शुड रिमेन काम एज एन आइस, है ना, कूल एज एन आइस, अब क्लियर विद दिस, तो ये पॉइंट भी मेरा खत्म हो गया, अब ये पॉइंट भी मेरा खत्म हो गया, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अब और क्या मिल सकता है, अब और मुझे क्या मिल सकता है, और मुझे क्या मिल सकता है, और कहीं से कुछ मिल रहा है, और कहीं से कुछ नहीं मिल रहा है ना, सी अब और मुझे कहीं से कोई वैल्यू नहीं मिल रही, तो मुझे कुछ एज्यूम करना पड़ेगा, अब मुझे पता है कि ऑल थ्री इज इक्वल टू 1/3 ऑफ स्मार्टफोन प्लस लैपटॉप, स्मार्टफोन प्लस लैपटॉप का, ओनली स्मार्टफोन प्लस लैपटॉप का 1/3 है, तो अगर मैं इसको एज्यूम करूं 3x, है ना, अगर मैं इसको एज्यूम करूं 3x, तो ये कितना हो जाएगा, 3x का 1/3, ऑल थ्री कितना हो जाएगा, एक्स, मैंने 3x इसलिए अज्यूम करा कि वो डेसिमल में वैल्यू ना आए, ठीक है, डेसिमल मुझे ना जाना पड़े, आप 6x 9x कुछ भी अज्यूम कर सकते हो, है ना, ठीक है, आपने क्वेश्चन लास्ट नहीं लिखा है, सब लिख लिया बाबू, सब लिख लिया, चिंता ना कर, सब लिख लिया, ये 3x है, ये x है, आप लिख लिया विद दिस, आप लिख लिया विद दिस, ओके ओके ओके, ठीक है, अब और क्या बचा है मेरे पास, अब और क्या बचा है, हाँ, ओनली स्मार्टफोन इज इक्वल टू 13 प्लस 24 इंटू ऑल, ऑल की वैल्यू कितनी हो गई, एक्स, तो ओनली स्मार्टफोन कितना हो गया मेरे पास, 24x प्लस 13, ये सुनो, 24x प्लस 13 ये मिल गया मुझे, इसको कुछ भी अज्यूम कर लो, ए बी सी डी कुछ भी अज्यूम कर लो, मैं मान लेता हूं ये वाई है,
मान लेता हूं ये वाई है, व्हाट इज दिस, दिस इज ओनली लैपटॉप प्लस ओनली टैबलेट, दिस इज ओनली लैपटॉप प्लस ओनली टैबलेट, है ना, दिस इज व्हाट, लैपटॉप प्लस टैबलेट ओनली, दिस इज लैपटॉप प्लस टैबलेट ओनली। अब मुझे थोड़ी सी स्पेस चाहिए, मैं इसको कम करता हूं यहां से, ठीक है, मुझे थोड़ी सी स्पेस चाहिए, तो जो पॉइंट मेरे काम के नहीं है उसको मैं मिटाता हूं, है ना, स्पेस बनेगी उसके लिए, ठीक है, स्पेस बनेगी उसके लिए, आगे के लिए वो दस, चलिए अब आगे देखते हैं, ठीक है, मुझे इसका भी काम नहीं है, इसका भी मैं यूज कर चुका हूं, इसका भी मैं यूज कर चुका हूं, अब देखते हैं क्वेश्चन में बचा क्या है, ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन में बचा क्या है, स्मार्टफोन प्लस लैपटॉप, स्मार्टफोन प्लस लैपटॉप कितना होगा ये पूरा का पूरा, स्मार्टफोन प्लस लैपटॉप कितना होगा ये पूरा का पूरा, तो अगर मैं यहां से देखूं 4x इज इक्वल टू 0.8, टैबलेट प्लस लैपटॉप कितना होगा, टैबलेट प्लस लैपटॉप कितना होगा ये पूरा का पूरा, टैबलेट प्लस लैपटॉप कितना होगा ये पूरा का पूरा, x प्लस वाई, टैबलेट प्लस लैपटॉप कितना होगा x प्लस वाई, बोलो है ना, हाँ हाँ 4x भी ले सकते हैं, 4x ही आएगा, अभी देखो वही वहीं पे पहुंच रहे हैं हम लोग, तो अगर मैं यहां से डालूं 4x इज इक्वल टू 0.8x प्लस 0.8y, इसको बिंदु सामने, तो कितना हो जाएगा 3.2x इज इक्वल टू 0.8x, सॉरी है ना 0.8y, कितने से कटेगा 0.84 तो y इक्वल टू कितना आ गया 4x, तो एक वेरिएबल कम हो गया नहीं हो गया बताओ, y इक्वल टू कितना आ गया 4x, तो इसकी जगह पर डाल दो 4x, अगर मैं डायरेक्ट लिख दूंगा तो आधे लोगों को समझ में नहीं आता, डायरेक्ट लिखा तो आधे लोगों को समझ में नहीं आता, ये हो गया 4x, अब इसके लिए वो 10, ये हो गया 4x, अब इसका काम भी खत्म हो गया मेरा, अब इसका काम भी खत्म हो गया मेरा, ठीक है, इसका काम भी मेरा खत्म हो गया, अब आते हैं इस पे, स्मार्टफोन प्लस टैबलेट, स्मार्टफोन प्लस टैबलेट कितना है ये पूरा का पूरा, स्मार्टफोन प्लस टैबलेट कितना है पूरा का पूरा, 77 प्लस x इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, स्मार्टफोन प्लस लैपटॉप कितना है 4x, स्मार्टफोन प्लस लैपटॉप कितना है 4x, सॉल्व करो इधर से, 77 प्लस x इक्वल टू 8x, तो x का वैल्यू कितना आ रहा है यहां से 11, x का वैल्यू कितना आ रहा है यहां से 11, आ रहा नहीं आ रहा बताओ x का वैल्यू 11, तो अगर मैं x का वैल्यू डालूं 11, तो ये 3x हो गया 33, ये हो गया 11, ये हो गया 44, और अगर मैं x का वैल्यू डालूं यहां पे 11, तो कितना हो जाएगा बताओ, 11 इंटू 24 प्लस 13, 77 हो जाएगा नहीं हो जाएगा बताओ, ये 277 हो जाएगा, है ना 277 हो जाएगा, आगे सारी वैल्यूज, आगे सारी वैल्यूज, क्या ये सेट बहुत ही डिफिकल्ट था, क्या ये सेट बहुत ही डिफिकल्ट था, नहीं, सेट का लेवल ठीक है, कैट में अगर ये सेट आया तो उसका लेवल बहुत खतरनाक बन जाएगा आप लोगों के माइंडसेट के अकॉर्डिंग, क्योंकि हम लोग पेशेंस लूज कर देंगे वहां पे, हम लोग पेशेंस लूज कर देंगे वहां पे, आगे के लिए वो दिस, तो अगर मैं 735 में से ये सारी वैल्यूज निकाल दूं, 735 में से मैं सारी वैल्यूज निकाल दूं, तो नन कितना आएगा बताओ मेरा, 735 में से अगर मैं इन सबको सब्ट्रैक्ट कर दूं, जितनी भी वैल्यूज यहां पे लिखी हुई हैं, तो नन कितना आएगा फटाफट से बताओ, नन कितना आएगा 126, ये क्लैरिटी है। अब क्वेश्चन बात है फटाफट से देखो क्वेश्चन, व्हाट इज द नंबर ऑफ पर्सन लाइक लैपटॉप, लैपटॉप मतलब क्या, पूरा लैपटॉप, दिस टोटल लैपटॉप हाउ मच इट इज, 44, 44, 88, 88 एंड 35, 89, 89 एंड 30, है ना, सही बना ना, सही कराया ना हमने, हू लाइक लैपटॉप, जरा क्या करना कैलकुलेशन, 33 एंड 33, 88 एंड 5, 93, 93 एंड 30, 123, है ना 123, आई विल लीव विद दिस, ठीक है, हाउ मेनी पर्सन लाइक स्मार्टफोन एंड टैबलेट, स्मार्टफोन एंड टैबलेट ओनली वर्ड का यूज नहीं करा है यहां पे, ओनली वर्ड का यूज नहीं करा है, स्मार्टफोन एंड टैबलेट ये पूरा का पूरा होगा नहीं होगा बताओ, स्मार्टफोन एंड टैबलेट ये पूरा का पूरा होगा, ओनली वर्ड का यूज नहीं करा है, 77 इज नॉट एन आंसर, कुछ लोग 77 आंसर टिक करके आएंगे, सॉल्व करने के बाद भी गलत टिक करके आएंगे, ये नहीं करना है, है ना, दिस इज द मिस्टेक, दैट इज वाई, दैट इज द रीजन वेन डायग्राम इज सो मच इंपॉर्टेंट,
क्योंकि उसमें लैंग्वेज का खेल होता है। हम लोग वहां पे देखेंगे ही नहीं कि यहाँ पे ओनली लिखा ही नहीं लिखा, हम लोग सिर्फ स्मार्टफोन एंड टैबलेट देखेंगे। गलती हो गई, लो चला गया -1, चला गया -1, आगे के लिए वो 10। तो ये दोनों क्वेश्चन हो जाएंगे ना, ये दोनों क्वेश्चन हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? होमवर्क में डेटा मैंने बना दिया है, राइट, डेटा मैंने बना दिया है, आगे के लिए वो 10, आगे के लिए वो 10 क्लैरिटी है। एक और सेट ट्राई करेंगे फटाफट से। तो ये वीडियो अभी तक किसी ने नहीं देखी है प्लीज जाके देख लेना, चैनल पे अवेलेबल है ना, चैनल पे अवेलेबल है, काफी सारी वीडियोस और भी अवेलेबल है, आप देख सकते हो, ठीक है। एंड अगेन आई एम सेइंग, इफ यू आर बाइंग दिस कोर्स राइट नाउ इट इज 2099, है ना, इफ यू बाय दिस कोर्स इट इज राइट नाउ 2099, 30 सितंबर तक इसका प्राइस है 2099। 30 सितंबर मतलब कि चलो 1 अक्टूबर कर देता हूं मैं, 1 अक्टूबर से इसका प्राइस हो जाएगा 2699। तो आप 600 रुपीज एक्स्ट्रा पे करोगे, और इसमें फिर कुछ भी नहीं हो पाएगा, सर हम नहीं ले पाए, सर पैसों का अरेंजमेंट नहीं हो पाया, सर हमें नहीं पता था लेना है नहीं लेना। आई वॉन्ट बी एबल टू गिव एनी काइंड ऑफ डिस्काउंट, मैंने पहले ही बोला है, आई एम नॉट लाइक एनी अदर कंपनीज जो मार्केट में हर दिन डिस्काउंट देती है, हर दूसरे दिन डिस्काउंट देती है, मैं नहीं देता, ठीक है। आई नो कि हम लोग कोर्स का कितना वैल्यू है, हम कोर्स में क्या क्वालिटी कंटेंट दे रहे हैं। अगर आपको कोर्स की क्वालिटी चेक करनी है, इसलिए ही 21st से लेकर 30th तक ये क्लासेस फ्री दी गई हैं, ताकि आप चेक कर सको, ताकि आप चेक कर सको कि आपको कोर्स का कंटेंट कैसा लग रहा है, सागर जो पढ़ा रहा है समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, नहीं आ रहा मतलब। एक और क्वेश्चन सी, अब आप लोगों ने देखा होगा ये फोर्थ क्लास है, ये फोर्थ क्लास है एंड ये हमारा 8th सेट है, राइट, दिस इज द 8th सेट वी आर सॉल्विंग। ये 1 से लेके 8 तक सारे के सारे सेट्स डिफरेंट थे, राइट, कंटेंट डिफरेंट था इनका, है ना, टॉपिक्स डिफरेंट थे इनके, ठीक है, तरीका सॉल्व करने का डिफरेंट था। तो मैं यही बताना चाह रहा हूं कि आपको किसी एक पर्टिकुलर मेथड पे स्टिक नहीं करना है, किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे स्टिक नहीं करना है, क्योंकि वहां पे कौन सा टॉपिक आएगा कौन सा नहीं, एलआरडीए में ऐसा कोई प्रिडिक्शन नहीं कर सकता। फटाफट से क्वेश्चन करिए, चलिए।
हाँ मुझे पता है होमवर्क वाली पीडीएफ में है फर्स्ट क्लास की, बट आई नो कि सॉल्व नहीं हुआ होगा राइट। आप लोगों से सॉल्व नहीं हुआ होगा शायद से, ऐसा सेट है इससे। मैंने कहा मैं चलो करवा देता हूँ एक बार, और काफी लोग होमवर्क वाली पीडीएफ सॉल्व भी नहीं करते हैं। तुम देख लो, तुम ही हो बोलने वाले कि होमवर्क वाली पीडीएफ में है ऐसा सेट, बाकी लोगों को अनुमान तक नहीं होगा। हाँ आप ट्राई करिए, मान लो कि आज जो क्लास में हमने मैंने सेट करवाया है वो आप 2-3 दिन बाद खुद ट्राई करो खुद से विदाउट सीइंग द सॉल्यूशन, तो वो भी एक तरह का प्रैक्टिस ही है, वो भी एक तरह का प्रैक्टिस ही है। तो आपको ये भी समझ में आएगा कि आपको क्लास में कितना समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, आपको कितना टाइम लग रहा है सेट सॉल्व करने में, ये भी समझ में आएगा। हाँ महक मैं समझता हूँ, दैट इज द रीजन वाई आई से कि डू नॉट गेट प्रेशराइज्ड, जस्ट राइट डाउन दी पॉइंट्स, जो जो पॉइंट्स आपको लगते जाएंगे वो पॉइंट्स आप बनाते जाइए जैसे मैं बनाता हूँ, ठीक है। वो तरीका है सॉल्व करने का कि मैंने डेटा में से पॉइंट्स अलग कर लिए। चलिए सॉल्व करते हैं, ठीक है, लेट्स सॉल्व फटाफट से। ओके मुझे पता है मैं क्लास में टाइम आपको कम देता हूँ सेट सॉल्व करने का, है ना, मुझे पता है मैं आपको कम टाइम देता हूँ क्लास में सेट सॉल्व करने का, बिकॉज हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है, बिकॉज अगर मैं आपको भी टाइम दूंगा मैं भी टाइम लूंगा तो एक ही सेट हो पाएगा क्लास के अंदर, दो सेट हम लोग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसलिए शायद से मैं क्लास में कम टाइम दूंगा। अगर आपको सेट सॉल्व करने में ज्यादा टाइम चाहिए सो यू कैन गो फॉर द रिकॉर्डिंग्स, आप रिकॉर्डिंग में पॉज करके भी सेट सॉल्व कर सकते हो, सॉल्व हो जाए उसके बाद सॉल्यूशन देख सकते हो, है ना, ठीक है। 8:30 यार पॉसिबल नहीं है यार, जो अब इसके पहले वीआरसी क्लास होती है, अब वीआरसी की क्लास कभी कभी मैम की स्ट्रेच हो जाती है ना, तो दिक्कत होती है फिर वहां पे, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या बोलना चाह रहा है। फाइव फ्रेंड्स, अमित, अमृत, अंजना, अरमान, अंजलि एंड अर्पित। अब सी कभी भी कैट में सेट आएगा ना, अगर कभी भी कैट में सेट आएगा तो इसी तरह के नेम्स आएंगे, नेम्स आपको इसी तरह के मिलेंगे, कंफ्यूजिंग है ना, बहुत ही कम होगा कि उसने बोल दिया होगा अमन, बिमल, चरण, है ना, तो आप ABCD उसको ले सको, बहुत कम होगा ऐसा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि आप गलत नाम के सामने गलत डेटा ना लिख दो। पार्टिसिपेटिंग इन अ क्विज हैविंग 9 क्वेश्चंस, ठीक है, एक क्विज है जिसमें 9 क्वेश्चंस है, इन द क्विज 4 क्वेश्चंस वेर ऑफ 4 मार्क्स, ठीक है, 4 क्वेश्चंस 4 मार्क्स के हैं ईच, एंड द रिमेनिंग 5 क्वेश्चंस वेर ऑफ 8 मार्क्स, सो दैट मींस कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितने मार्क्स होंगे, 4 क्वेश्चंस ऑफ 4 मार्क्स दैट इज 16 मार्क्स, दैट इज 16 मार्क्स आई विल लीव विद दिस, एंड रिमेनिंग 5 क्वेश्चंस ऑफ 8 मार्क्स दैट इज 40 मार्क्स। इतना डेटा है मेरे पास, इतना डेटा है मेरे पास, है ना। तो मेरे पास क्या है, मेरे पास क्या है, 4 क्वेश्चंस ऑफ 4 मार्क्स ईच दैट इज 16 मार्क्स, एंड 5 क्वेश्चंस ऑफ 8 मार्क्स ईच दैट इज 40 मार्क्स। तो अगर किसी का मैक्सिमम पॉसिबल टोटल बनेगा कितना बनेगा, 56, राइट, किसी का मैक्सिमम टोटल बनेगा तो टोटल कितना बनेगा, 56, राइट, मैक्सिमम पर्सन कैन गेट इज 56 मार्क्स। आर वी क्लियर विद दिस। चलिए अब आगे देखते हैं, ठीक है, ओके। एनी क्वेश्चन आंसर्ड रॉन्गली अट्रैक्ट्स अ पेनल्टी ऑफ 1/4 ऑफ द मार्क्स अलॉटेड टू द क्वेश्चन। तो अगर 4 मार्क वाला गलत किया तो -1, 8 मार्क वाला गलत किया तो -2, ठीक है। आफ्टर द रिलीज ऑफ द रिजल्ट्स द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस वर मेड रिगार्डिंग द क्वेश्चंस एंड द मार्क्स ऑब्टेन्ड। तो 5 लोग हैं, अमृत, अंजना, अरमान, अमृत, ठीक है, अंजना, पूरा पूरा नाम लिखने का ताकि कोई गड़बड़ ना हो, है ना, अमृत, अंजना, अरमान, फिर कौन है, अंजलि एंड अर्पित, राइट, है ना, अंजलि एंड अर्पित, बिकॉज नेम्स कंफ्यूजिंग है तो गड़बड़ हो सकती है। आई विल क्लियर विद दिस, आई विल क्लियर विद दिस। चलिए, द फ्रेंड हु अटेम्प्टेड एन इक्वल नंबर ऑफ 4 मार्क्स। अच्छा पहले हम लोग थोड़ा टेबल बना लेते हैं, तो ये हो गए 4 मार्क वाले क्वेश्चन,
ये हो गए 8 मार्क वाले क्वेश्चन और ये हो गया टोटल, ये हो गया करेक्ट एंड ये हो गया इनकरेक्ट, करेक्ट एंड इनकरेक्ट। अगर सही होगा तो +4, गलत हुआ तो -1, सही हुआ तो +8, गलत हुआ तो -2। ये क्लैरिटी है माइंड में, ये क्लैरिटी है सबके माइंड में, है ना? ठीक है, इतना तो हम लोग दिमाग में लिख सकते हैं, दिमाग में रख सकते हैं। सारी चीजें लिखने की जरूरत नहीं, वरना कंफ्यूजन और होगा। कुछ चीजें दिमाग में ही रखने की, राइट, कुछ चीजें दिमाग में रखने की। द फ्रेंड हु अटेम्प्टेड, अटेम्प्टेड की बात करिए, सही गलत की बात नहीं करी, सिर्फ अटेम्प्ट की बात करिए। एन इक्वल नंबर ऑफ 4 मार्कर एंड 8 मार्क का क्वेश्चन स्कोर्ड 28, है ना? तो जिसने 4 मार्क वाले, है ना, अटेम्प्ट और जिसने 8 मार्क वाले अटेम्प्ट करे हैं, है ना, अगर मान लीजिए कि अंजना अर्पित अमृत की बात हो रही है, अमृत का ये दोनों मिला के 4 है और 8 मार्क वाला भी दोनों मिला के 4 है, तो उसका टोटल होगा 28, है ना? जिसने भी इक्वल नंबर ऑफ 4 मार्क एंड 8 मार्क क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे हैं, इनकरेक्ट प्लस करेक्ट मिला के, अटेम्प्ट की बात हो रही है, उसका टोटल कितना होगा, उसका टोटल कितना होगा 28, राइट, उसका टोटल कितना होगा 28। अभी के लिए वो दिस, वो कौन है हमें नहीं पता, वो कौन है हमें नहीं पता। द नंबर ऑफ 4 मार्कर क्वेश्चन अटेम्प्टेड करेंटली बाय वन ऑफ द फ्रेंड्स वाज इक्वल टू द एवरेज ऑफ 4 मार्कर क्वेश्चन अटेम्प्टेड करेक्टली। पहले वाले में सिर्फ अटेम्प्ट था, यहां पे अटेम्प्टेड करेक्टली है बाय द अदर टू, है ना, बाय द अदर टू। तो कोई एक इंसान जिसका 4 मार्क में करेक्ट वाली बात कर रहा हूं इज इक्वल टू एवरेज ऑफ एनी 2 पीपल, ये 4 मार्क वाले करेक्ट की बात हो रही है, ये अटेम्प्ट की बात हो रही है ना, ये 4 मार्क वाले करेक्ट की बात हो रही है और ये 4 मार्क वाले अटेम्प्ट की बात हो रही है। ठीक है, मैं इसको मिटा ही देता हूं, राइट रॉन्ग कर देता हूं, ठीक है, राइट रॉन्ग कर देता हूं ताकि समझने में आसानी हो हमारे लिए। ठीक है, ये क्लैरिटी माइंड में यहां तक। चलिए, बाय वन ऑफ द अदर टू फ्रेंड्स नीदर ऑफ हुम, कौन, ये दोनों की बात हो रही है, ये दोनों की बात हो रही है, नीदर ऑफ हुम हैड एन इवन नंबर ऑफ 4 मार्कर करेक्ट, नीदर ऑफ हुम हैड एन इव 4 मार्कर करेक्ट, तो इन दोनों में से किसी का भी इवन नंबर ऑफ 4 मार्कर नहीं है, मतलब कि 2, 3, 2 नहीं हो सकता यहां पे, 4 नहीं हो सकता यहां पे, अब क्लियर विद दिस, है ना? तो यहां पे जो दोनों वैल्यूज होंगी वो ऑड नंबर्स होंगे, है ना? ठीक है, अरमान हु अटेम्प्टेड एग्जैक्टली 1 4 मार्क क्वेश्चन करेक्टली स्कोर 32। अरमान का स्कोर कितना है, अरमान का स्कोर कितना है 32, और उसने 4 मार्क वाला एक ही क्वेश्चन करेक्ट आंसर किया है, तो उसका मतलब क्या कि बाकी के तीनों इनकरेक्ट होंगे, बाकी के तीनों इनकरेक्ट होंगे, उसका मतलब यह है नहीं, हमें नहीं पता, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा कि सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना कंपलसरी है, ऐसा कहीं नहीं लिखा, तो डू नॉट अज्यूम, राइट, डू नॉट अज्यूम, ऐसा कहीं नहीं लिखा। द नंबर ऑफ 8 मार्कर क्वेश्चन अटेम्प्टेड करेक्टली बाय अंजना, ठीक है, नंबर ऑफ 8 मार्कर क्वेश्चन अटेम्प्टेड करेक्टली बाय अंजना हु डिड नॉट अटेम्प्ट एनी क्वेश्चन रॉन्गली, तो मतलब क्या, मतलब क्या कि अंजना ने, कहां गई अंजना, अंजना ने कोई भी क्वेश्चन इनकरेक्ट मार्क नहीं किया है, है ना? ठीक है, अंजना ने कोई भी इनकरेक्ट मार्क नहीं किया है, फाइन। हु डिड नॉट अटेम्प्ट एनी क्वेश्चन रॉन्गली एंड स्कोर्ड मार्क्स विच वॉज ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर, ठीक है, फाइन। द नंबर ऑफ 8 मार्क का क्वेश्चन अटेम्प्टेड करेक्टली बाय अंजना, ठीक है, फाइन, वॉज हाफ द नंबर ऑफ 4 मार्कर क्वेश्चन अटेम्प्टेड करेक्टली बाय हर, मतलब क्या कि अंजना का जो 8 मार्कर करेक्ट होगा दैट इज इक्वल टू उसके 4 मार्कर करेक्ट का हाफ, तो दैट मीन्स कि अगर अंजना ने 4 मार्क वाले चारों क्वेश्चन सही करे हैं तो 8 मार्क वाले कितने क्वेश्चन सही करे होंगे, 2। अभी के लिए वो दिस, 8 मार्क वाले कितने क्वेश्चन सही करे होंगे, 2। अगर अंजना ने 4 मार्क वाले 2 सही करे हैं तो 8 मार्क्स वाले 1 सही करा होगा, ठीक है,
एंड अंजना का जो स्कोर है, अंजना का जो स्कोर है वो किसी एक के स्क्वायर का ट्वाइस है। मतलब कि स्क्वायर क्या हो गया, 9 इज ए स्क्वायर, 16 इज ए स्क्वायर, 25 इज ए स्क्वायर, तो 9 का डबल होगा या 25 का डबल होगा या 16 का डबल होगा इसका टोटल। आर वी क्लियर विद दिस? ये पॉइंट समझना ध्यान से। जब तक आपको कोई एक पॉइंट समझ में नहीं आता उसको दो बार पढ़ो, तीन बार पढ़ो, बट तब तक दूसरे पॉइंट में मत बढ़ो। जब तक एक पॉइंट समझ में नहीं आता तब तक दूसरे पॉइंट में हम लोग प्रोसीड नहीं करेंगे। आर वी क्लियर विद दिस? ठीक है, चलिए। अंजलि, तो व्हाट डज दैट मीन, व्हाट डज दैट मीन कि यहां पे जो वैल्यू आएगी, यहां पे जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? अगर इसने चार मार्क वाले चार सही कर दिए तो यहां पे दो सही करेगी, यहां पे अगर चार मार्क वाले दो सही कर दिए तो एक सही करेगी। दैट इज द ओनली पॉसिबिलिटी, इधर इट इज 4-2 और 2-1, यही पॉसिबिलिटी है ना, यही पॉसिबिलिटी है 4-2 और 2-1। ये क्लैरिटी है माइंड में, ये क्लैरिटी है माइंड में। अच्छा, तो मैं दोनों पॉसिबिलिटी चेक कर लेता हूं, चलो दोनों पॉसिबिलिटी चेक ही कर लेते हैं ना, दोनों पॉसिबिलिटी चेक ही कर लेते हैं। लेट अस चेक, आगे जाके काम कम हो जाएगा। अगर मैंने 4 रखा, यहां पे 2 रखा, तो 4 4 16 एंड 8 टू 16, 16 एंड 16 स्कोर कितना हो गया, 32। 32 क्या किसी नंबर के स्क्वायर का डबल है, है ना? 32 किसी नंबर के स्क्वायर का डबल है, बिल्कुल है। 32 इज अ ट्वाइस ऑफ 16, 16 इज एन स्क्वायर, 16 इज एन स्क्वायर। आई विल लीव विद दिस, आई विल लीव विद दिस, क्लैरिटी माइंड में। कैसे आया बाबू ये, चार मार्क वाले कितने क्वेश्चन मेरे पास, 4, 5, 8 मार्क वाले कितने क्वेश्चन मेरे पास, 5, है ना। अब उसने बोला है कि 8 मार्क का करेक्ट इज इक्वल टू 4 मार्क का करेक्ट का हाफ, तो अगर यहां पे 4 है तो यहां पे 2 होगा। अगर मैं यहां पे 2 रखता हूं एंड यहां पे 1 रखता हूं, स्कोर कितना हो गया, 4 2 8, 8 1 8 16, टोटल स्कोर कितना हो गया, 16। बट 16 तो किसी का डबल है ही नहीं, है ना। 16 इज इक्वल टू 2 ऑफ एन स्क्वायर करूंगा तो एन स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया, 8। 8 तो किसी का स्क्वायर है ही नहीं, है ना, एंड 8 तो किसी का स्क्वायर है ही नहीं। आई विल क्लियर विद दिस, आई विल क्लियर विद दिस। तो दैट मींस द ओनली पॉसिबिलिटी, दैट मींस द ओनली पॉसिबिलिटी इज ऑफ 4 एंड 2, है ना। आई विल क्लियर विद दिस, दैट मींस द ओनली पॉसिबिलिटी इज ऑफ 4 एंड 2। मतलब अंजना का हमको सारा डेटा मिल गया, मतलब अंजना का हमको पूरा का पूरा डेटा मिल गया। आई विल क्लियर विद दिस, क्लैरिटी माइंड में इस चीज को लेके। तो अगर उसका डेटा हमें मिल गया है तो ये पॉइंट हमारे किसी काम का नहीं है, इसको मिटा दो। तो ये पॉइंट हमारे किसी काम का नहीं, मिटा दो, काम कम हो जाएगा, राइट, काम कम हो जाएगा। आई विल क्लियर विद दिस, ठीक है, चलिए, ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अंजलि अटेम्प्टेड द मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस। तो अगर सबसे ज्यादा किसी ने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं तो मैक्सिमम अटेम्प्ट अंजलि के हैं, ठीक है, मैक्सिमम अटेम्प्ट अंजलि के हैं। आई विल क्लियर विद दिस, चलिए, ठीक है। द नंबर ऑफ 4 मार्कर क्वेश्चन अटेम्प्टेड करेक्टली बाय अमृत वॉज 1 लेस देन अर्पित, है ना। नंबर ऑफ 4 मार्कर अटेम्प्टेड करेक्टली बाय अमृत इज 1 लेस देन अर्पित। तो 4 मार्कर अटेम्प्टेड करेक्टली बाय अमृत इज 1 लेस देन अर्पित। तो अगर इसका वैल्यू एक्स है तो इसका वैल्यू एक्स माइनस 1 होगा, है ना। 4 मार्कर करेक्टली बाय अर्पित और ये उसका 1 लेस। ये क्लैरिटी है माइंड में, यहां पे ये माइंड में क्लैरिटी है यहां पे, ठीक है। फॉर नो 2 फ्रेंड्स द नंबर ऑफ 4 मार्कर क्वेश्चन करेक्टेड अटेम्प्टेड करेक्टली वाज इक्वल। तो मतलब क्या कि इस पूरे कॉलम में कहीं भी वैल्यू रिपीट नहीं होगी। मेरे पास मैक्सिमम 4 मार्क वाले क्वेश्चन कितने हैं, 4, है ना। तो इस पर्टिकुलर कॉलम में मैं वैल्यू क्या रख सकता हूं, या 0 या 1 या 2 या 3 या 4। मुझे वैल्यू रिपीट नहीं करनी है, 1 में ऑलरेडी किसी को दे चुका हूं, 4 में ऑलरेडी किसी को दे चुका हूं। तो एक्स एंड एक्स माइनस 1 के लिए पॉसिबिलिटी क्या बच गई, 2 एंड 3,
एक्स एंड एक्स माइनस वन के लिए पॉसिबिलिटी क्या बच गई, टू एंड थ्री। तो दैट मीन्स कि अगर ये थ्री होगा तो ये टू होगा, है ना। अगर मैं इसको रखता हूं थ्री तो मैं इसको रखूंगा टू, इसके लिए क्या बच गया जीरो, इसके लिए क्या बच गया जीरो, बिकॉज मैं इस कॉलम में वैल्यूज रिपीट नहीं कर सकता। इजी है कि नहीं है, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिए, सेट इजी है, लग डिफिकल्ट रहा है, अगर स्टेप बाय स्टेप नहीं करा गया तो की बात है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगेन अब इस डेटा का मेरे को कुछ काम नहीं है तो मैं फिर से इसको मिटा दूंगा। हाँ मैं मान सकता हूं कि आपके पास कैट में ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं होगा, हाँ ठीक है, बिकॉज आपको वहां पर सिर्फ पेन मिलेगी, बट मेरे पास ऑप्शन है तो मैं उसको यूज करूंगा, ठीक है, मेरे पास ऑप्शन है तो मैं उसको यूज करूंगा। द नंबर ऑफ 8 मार्कर क्वेश्चन अटेम्प्टेड करेक्टली बाय अंजलि, अर्पित एंड अरमान, कौन कौन, कौन कौन, अंजलि, अर्पित एंड अरमान, ये इनकी बात हो रही है, ठीक है, किसकी बात हो रही है, ये किसकी बात हो रही है, 8 मार्कर करेक्ट की बात हो रही है इन तीनों के बारे में, ठीक है। इस इन द गिवन ऑर्डर फॉर्म्स अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है कि इट कीप्स ऑन मल्टीप्लाइड बाय अ पर्टिकुलर नंबर, 1 हो गया तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा 2, फिर होगा 4, फिर होगा 8, अगर 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इट कैन बी मल्टीप्लाइड बाय 3 ऑल्सो, 4 ऑल्सो, तो नेक्स्ट टर्म इन अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ऑलवेज गेट्स मल्टीप्लाइड अप बाय अ पर्टिकुलर नंबर, है ना। तो ये तीनों ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, कौन, 8 मार्कर करेक्ट। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, 8 मार्कर के क्वेश्चन कितने हैं मेरे पास, 5, 8 मार्कर क्वेश्चन कितने मेरे पास, 5, है ना, इसको मिटाता हूं मैं थोड़ा सा, ठीक है, अंजलि के नंबर ऑफ क्वेश्चन मैक्सिमम है ये दिमाग में रखेंगे, 8 मार्कर करेक्ट कितना कर सकता है कोई, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5, तो इसकी वैल्यू में क्या डाल सकता हूं, अगर मैं थोड़ा दिमाग लगाऊं तो इन तीनों की वैल्यू में क्या डाल सकता हूं, अगर मैं 0 रखूंगा तो 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, तो 0 तो पॉसिबल नहीं है, 0 तो पॉसिबल नहीं है। अगर मैं इसको 1 रखता हूं, 1 को मैंने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर से 1 ही आ जाएगा, तो वो पॉसिबल नहीं है, तो मैं 1 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 2 से, फिर क्या हो जाएगा 4, तो 1 2 एंड 4 इज द ओनली पॉसिबल वैल्यू। बोलो सर 3 से क्यों मल्टीप्लाई नहीं किया, अगर मैं 1 को 3 से मल्टीप्लाई करूं ये हो गया 3, बट फिर 3 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 9, उतने तो क्वेश्चन नहीं है मेरे पास, उतने तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस ही नहीं मेरे पास, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं 5, दैट मींस अंजलि का एक, अंजलि का 8 मार्क का करेक्ट कितना हो गया 1, अर्पित के कितने हो गए 2, अरमान के कितने हो गए 4, ये हो गया नहीं हो गया, मिल गया हमको ये सब, सब मिल गया। अब देखो द स्कोर ऑफ अर्पित वॉज अ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, अर्पित का जो स्कोर है ना, अर्पित का जो स्कोर है वो एक नेचुरल नंबर का स्क्वायर है, नेचुरल नंबर का स्क्वायर है, तो मतलब जो ये स्कोर होगा वो क्या हो सकता है, 16 हो सकता है, 25 हो सकता है, 36 हो सकता है, 49 हो सकता है, उसके ऊपर तो नहीं जाएगा, 56 के ऊपर तो नहीं जाएगा। आर वी क्लियर विद दिस, चलो अब बनाते हैं डेटा, अब बनाते हैं डेटा, क्या क्या बचा है हमारे पास, क्या क्या बचा है हमारे पास, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो देखो ये पॉइंट प्रूव हो गया नहीं हो गया, बताओ, किसी एक का 4 मार्कर करेक्ट इज इक्वल टू बाकी 2 का एवरेज, ये पॉइंट सिर्फ घुमाने के लिए दिया गया था, इसका कुछ काम नहीं है, है ना। अगर मैं 1 एंड 3 का एवरेज देखूं तो 2 आएगा कि नहीं आएगा, 1 एंड 3, बिकॉज इवन नंबर तो डाल नहीं सकता मैं, तो ऑड नंबर्स मेरे पास 2 ही हैं, 1 एंड 3, 1 एंड 3 का एवरेज क्या आएगा 2, तो इन दोनों का एवरेज कोई एक पर्टिकुलर इंसान है तीसरा, वो तो होगा ही ना, वो बोलने की थोड़ी बात है, ये सिर्फ घुमाने के लिए दिया था, इसका कुछ काम नहीं है, है ना, इसका कुछ काम नहीं है, घुमाने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ था, ठीक है कि नहीं, ठीक है। अच्छा अब इसके 32 मुझे करना है यहाँ पे स्कोर, मार्क्स कितने इसके पास, 4 1 4 प्लस 8 4 32 है, तो मतलब 36 करना कितना है, 32 करना है, तो मतलब 32 करने के लिए मुझे -4 करना पड़ेगा, 32 तब 32 आएगा, 32 करने के लिए -4 करना पड़ेगा तब 32 आएगा। 8 मार्क वाले आई हैव ओनली 5 क्वेश्चंस, 5 में से 4 करेक्ट कर दिए, तो इनकरेक्ट कितने कर सकता है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1, तो अगर
एक उसने इनकरेक्ट किया तो -2 यहां से हो गया, दो इनकरेक्ट यहां पे कर दो तो -2 यहां से हो गया, -2 और -2 हो गया 4, 36 -4 32 आ गया, नहीं आगे बताओ। आर वी क्लियर विद दिस क्लैरिटी है माइंड में इस चीज को लेके, क्लैरिटी माइंड में इस चीज को लेके, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इस डेटा का भी मेरे को अब कुछ काम नहीं है, इसका भी मुझे अब कुछ काम नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब उसने बोला था कि जिसके 4 मार्क वाले अटेम्प्ट और 8 मार्क वाले अटेम्प्ट इक्वल होंगे, उसका उसका स्कोर कितना होगा? 28। इसका स्कोर तो 28 है नहीं, बिकॉज ये किसी का स्क्वायर है। अंजलि का स्कोर भी 28 तो नहीं हो सकता, बिकॉज 4 मार्क वाले कितने सही किए उसने? 0। 8 मार्क वाले कितने सही किए उसने? 8। तो जो अंजलि का स्कोर होगा वो 8 माइनस ही समथिंग आएगा। तो दैट मीन्स 28 यहां भी नहीं है, 28 यहां भी नहीं है। तो 28 कहां होगा? यहां पे होगा। 28 कहां होगा? यहां पे होगा। आर वी क्लियर विद दिस? तो उसके 4 मार्क वाले अटेम्प्ट और 8 मार्क वाले अटेम्प्ट दोनों इक्वल होने चाहिए। ये दोनों इक्वल नहीं करने, नंबर ऑफ अटेम्प्ट मुझे इक्वल करने हैं, नंबर ऑफ अटेम्प्ट मुझे इक्वल करने हैं, ठीक है। अब नंबर ऑफ अटेम्प्ट इक्वल करने के लिए मैं क्या कर सकता हूं? 4 मार्क वाले कितने क्वेश्चन मेरे पास? 4। तो दो तो यहां पे हो गए, दो यहां पे हो गए। अगर मैं यहां पे 1 रखूं तो ये कितने हो गए? 3। तो ये 3 हो गया, 4 2 8, 8 माइनस 1, तो स्कोर कितना हो गया? 7। 7 हो गया, बचा कितना? 21। क्या मुझे यहां पे 21 देना पॉसिबल है किसी भी हिसाब से? क्या मुझे यहां पे 21 देना पॉसिबल है किसी भी हिसाब से? नहीं है पॉसिबल, राइट? तो मैं 1 नहीं रख सकता, मैं 1 नहीं रख सकता यहां पे। तो मैं क्या रख सकता हूं? मैं रख सकता हूं टू। अगर मैंने यहां पे 2 रखा तो 4 2 8, 8 माइनस 2, स्कोर कितना हो गया? 6। रिमेनिंग कितना है? 22। रिमेनिंग कितना है? 22। 22 मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है यहां पे। कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? अगर मैंने इसको दिया 3, 8 3 24 है ना, और इसको दिया 1, तो -2 उसका आ गया, 22 हो गया। 3 प्लस 1 4 बन गया, नहीं बन गया बताओ? बन गया, नहीं बन गया? आगे के लिए विद दिस क्लैरिटी है, ठीक है। अब मुझे इसको रखना है n स्क्वायर। कितने मार्क्स हैं इसके पास ऑलरेडी? कितने मार्क्स हैं इसके पास बताओ जरा? 4 3 12 यहां से है उसके पास, 8 2 16 यहां पे है, यहां से है। तो 16 and 12 28 तो हो गया, तो ये 16 and 12 28 तो हो गया। तो मुझे 16 तो पॉसिबल दिख नहीं रहा, 28 से मैं अब आगे तो जा नहीं सकता। 16 and 12 28 से स्कोर ऊपर तो नहीं बढ़ेगा, बिकॉज इनकरेक्ट वाले बचे हैं। तो दैट मीन्स 36 भी नहीं पॉसिबल है, 49 भी नहीं पॉसिबल है। ओनली पॉसिबिलिटी इज वॉट 25। ओनली पॉसिबिलिटी इज वॉट? 25 करने के लिए कितना करना पड़ेगा मुझे? 12 and 16, 28 है, -3 देना है मुझे, -3 की एक ही पॉसिबिलिटी है, एक यहां पे दो, एक यहां पे दो। तो -1 यहां से हो गया, -2 यहां से हो गया, तो -3 हो गया, 25 आ गया। आर वी क्लियर विद दिस? अब दूसरा, मुझे ये पता था कि अंजलि के जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट हैं वो सबसे हाईएस्ट होंगे, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स अभी सबसे हाईएस्ट किसके हैं? 2 प्लस 2 4 प्लस 3 7 प्लस 1 8। 8, तो 8 से ज्यादा क्वेश्चन अंजलि को करने हैं, मतलब कितने क्वेश्चन करने हैं? 9। तो सारे के सारे करने हैं 9। तो यहां पे कितने बचे हैं? 4। यहां पे कितने बचे हैं? 1 प्लस 4। टोटल कितना अंजलि का चेक करो, -4 यहां से, -8 यहां से। -4 and -8 कितना हो गया? -12। -12 और +8 यहां से, तो टोटल कितना हुआ अंजलि का? -4। आर वी क्लियर विद दिस? अगर मैं समझ सकता हूं ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, नहीं समझ में आया तो प्लीज उसको रिवाइंड करके देखना, है ना, रिवाइंड करके देखना एक बार दो बार, क्वेश्चन आप लोग कर लेना, मेरे पास टाइम की कमी है। व्हाट वाज सम ऑफ अंजलि एंड अर्पित? 25 माइनस 4 दैट इज 21। बाकी के सेट्स होमवर्क में ट्राई कर लेना, मेरे पास टाइम की कमी है, ठीक है, फाइन। बाकी के सेट्स होमवर्क में ट्राई कर लेना, मेरे पास टाइम की कमी है। एंड प्रैक्टिस सेट्स जो मेरे देने बचे हैं वो सारे के सारे आज अपलोड हो जाएंगे ऐप के ऊपर, है ना, सारे के सारे आज अपलोड हो जाएंगे ऐप के ऊपर।
आपको दो तरह की पीडीएफ दिखेंगी वहां पे, एक दिखेंगी क्वेश्चन नाम से, तो क्वेश्चन वो है जो हमने क्लास में करे हुए हैं, दूसरी पीडीएफ होगी प्रैक्टिस के नाम से जो मैं प्रैक्टिस के लिए दूंगा। आई विल क्लियर विद दिस एक्सटेंड द टाइमिंग ऑफ एलआरटीआई, मैं कुछ करता हूँ उसके बारे में, ठीक है, मैं कुछ करता हूँ, अभी हम लोग डिस्कस करते हैं क्लास के बाद में, अभी सर की क्लास है, थोड़ी सी मैं शायद से 8:30 8:45 से स्टार्ट कर देंगे इसको, ऐसा कुछ कर लेंगे, ठीक है, चलिए बाय बाय सर, हैव अ गुड डे।